आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रामोटिक डिवाइसेस और एयरवेज। तो पहले तो मैं आपको सुप्रामोटिक डिवाइसेस के बारे में बता दूं और एयरवेज के बारे में। इसके हमारे पास इस वक्त अलग अलग डिवाइसेस हैं जो एयरवे मैनेजमेंट का काम करते हैं, लेकिन सुप्रामोटिक डिवाइसेस है क्या? ये वो डिवाइसेस हैं जो आपके सुप्राग्लॉटिसली काम करेंगे, आपके सुप्राग्लॉटिस के ऊपर रहेंगे, मतलब आपके ग्लॉटिस तक ही रहेंगे। ये आपको एयरवे मैनेजमेंट के अंदर काम करेंगे। ये तब काम आते हैं जैसे किसी पेशेंट को जब हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स यूज होती है, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट कुछ यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने की वजह से हमें पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करना पड़ता है। तो उस वक्त हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें पेशेंट पूरी तरीके से हम उसको 100% वेंटिलेट नहीं करवाते। तो ऐसे वक्त ऐसे टाइम पर हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे सुप्रामोटिक डिवाइसेस हैं जो इमरजेंसी डिवाइसेस हैं उसके थ्रू ही पेशेंट को हमें वेंटिलेट करना पड़ता है। तो उनमें से एक है हमारा डिवाइस जिसको बोलते हैं हम गडल एयरवे। गडल एयरवे एक तरीके का प्लास्टिक का बनाया हुआ एक एयरवे है जो टंग को डिप्रेस करता है। जब माउथ के अंदर ये जाएगा फिर टंग को डिप्रेस करेगा, और डिप्रेस करने के बाद ये पेशेंट जो अनकॉन्शियस होने के बाद अपनी टंग को बाइट करते हैं या फिर अपनी इंडोट्रेकियल ट्यूब को बाइट कर लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए गडल एयरवे बेस्ट है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है, ये पेशेंट इसको बाइट नहीं कर सकता। और इसके अंदर एक पैसेज बना हुआ है जो आप अगर गौर से देखें तो आपको पैसेज दिखेगा यहाँ पर। इस पैसेज के थ्रू ही आप पेशेंट को सक्शनिंग भी कर सकते हैं। इसी के अंदर आप सक्शन कैथेटर डालेंगे तो सक्शन आपका यहीं से हो जाएगा। ये सक्शन कैथेटर आप लगातार इसी के अंदर डाल के किया जा सकता है, ठीक है? तो गडल एयरवे का काम यही है जो पेशेंट को सुप्राग्लॉटिसली आपका मैनेजमेंट करेगा एयरवे के अंदर, और एयरवे प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन थेरेपी देगा, ठीक है? इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं जो कि आपको अलग अलग आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे इस वक्त, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है आपका नेजोफेरेंगियल एयरवे। ये आपका लैटिक्स का बना हुआ है और तिनके बना है थोड़ा, ठीक है? पर ये रबर मटेरियल का है, इससे आई किंक होने के बावजूद भी इसकी एयर जो है वो ब्लॉक नहीं होगी। ये ऐसे पेशेंट को दिया जाएगा जिनका ओरली हम वेंटिलेट नहीं कर सकते, जिनको हमें नोज के थ्रू वेंटिलेट करना होगा। ये बाय नोज के साथ जाएगी, तो उसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, नेजोफेरिंगियल एयरवे मतलब नोज के थ्रू जाते हुए आपके फेरिंग्स में जाके टिक जाना। ये भी आपका सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस में से एक है। ये पूरी तरीके से आपको वेंटिलेट नहीं करेगा, इसके अंदर एस्पिरेशन के चांसेस उतने ही बने रहेंगे जितना कि आपका एक गडल एयरवे के अंदर बने। गडल एयरवे और जितने भी सुप्राग्लॉटिक डिवाइसेस हैं वो आपके ग्लॉटिस तक ही रहते हैं। ये लगातार आपको पूरे तरीके से एस्पिरेशन से बचा नहीं सकते क्योंकि जो आपकी इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, इंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है वो आपके ट्रैकिया से होते हुए आपके कैराइना पे जाके फिक्स हो जाती है। इसके अंदर एक इन्फ्लेटिंग बलून होता है जो कैराइना पे जाके इन्फ्लेट हो जाता है। इन्फ्लेट होने के बाद ये क्या होता है, इसकी वजह से एस्पिरेशन कम हो जाती है। पेशेंट के लंग्स के अंदर जो भी हम फ्लूइड पेशेंट ने इससे पहले लिया था या उसके माउथ के अंदर जो सलाइवा बन रहा है वो सलाइवा उसके लंग्स के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन गडल एयरवे और आपके नेजोफेरिंगियल एयरवेज के अंदर ऐसी ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी क्योंकि ये जो एयरवेज है, ये जो आपके डिवाइसेज हैं, ये सुप्राग्लॉटिस है। इसके अंदर आपको एस्पिरेशन कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर सकते जितना आप एक इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के अंदर कर सकते हो। इसलिए हमें सक्शन के लिए इसमें हमेशा ही कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेशेंट के माउथ के अंदर राइस ट्यूब डालनी पड़ती है या सक्शन कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी की तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक और सुप्राग्लॉटिक डिवाइस है जिसको इमरजेंसी डिवाइस बोला जाता है हमारा एक तरीके का, इसको बोलते हैं हम एलएमए। एलएमए मींस लैरिंगियल मास एयरवे, नाम से हमने डिफाइन हो रहा है लैरिंगियल मास एयरवे मतलब लैरिंगियस लैरिंग्स के ऊपर रहने वाला। और इसके अगर आप शेप देखो तो ये मास्क की तरह शेप है, ये वाली शेप जो होगी माउथ के अंदर जाएगी और आपके लैरिंग्स पे जाके स्टक कर जाएगी। जैसे कि आपने अभी इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में बताया कि इसमें बलून होता है जो इन्फ्लेट किया जाता है। इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के अंदर जो बलून इन्फ्लेट किया जाता है उसके अंदर अक्सर सिर्फ 4 to 5 ml तक ही एयर जाती है। वो एयर हम इन्फ्लेटिंग बलून के थ्रू भेजेंगे, ये इन्फ्लेटिंग कप है हमारा जिसके थ्रू हम यहाँ देंगे और ये बलून फिर इसके बाद इन्फ्लेट हो जाएगा। तो इसको इन्फ्लेट करने के लिए हमें चाहिए होती है 4 to 5 ml एयर। लेकिन हमारा जो एलएमए है लैरिंगियल मास एयरवे, इसके अंदर हमें चार गुना ज्यादा आपकी इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से ज्यादा एयर चाहिए होती है इसके कप को इन्फ्लेट करने के लिए। कप काम क्या कर रहा है, ये कप काम कर रहा है आपको एस्पिरेशन से बचाने के लिए और ट्यूब की फिक्सेशन के लिए। ये ट्यूब को फिक्स रखेगा आपके ग्लॉटिस के ऊपर और पेशेंट को एस्पिरेट करने से भी बचाएगा। एलएमए भी आपका सुप्राग्लॉटिक डिवाइस है। ये ऐसा डिवाइस है कि इमरजेंसी के अंदर एक पैरामेडिकल स्टाफ भी इसको पेशेंट की जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर
कर सकता है, क्योंकि पेशेंट की जान बचाना उसको हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडोट्रैक इंटुबेशन तो एनेस्थेटिसी करेगा, लेकिन किसी को हम सुप्राक्रोटिक डिवाइस से भी एयरवे मैनेजमेंट दे सकते हैं इमरजेंसी में। एलएमएम मींस लैरिंगियल मास्क एयरवे, ये भी बिल्कुल आपका सुप्राक्रोटिक डिवाइस का ही काम करेगा, जैसे कि आपका गले एयरवे काम करता है। ये आपके सुप्राग्लॉटिक्स पे ही रहेगा, क्योंकि ये आपके सिर्फ लैरिंग्स का ही रह रहा है, आपके ग्लॉटिस का ही रह रहा है, तो इसमें पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेस उतने ही बने रहेंगे जितना कि गटर एरिया के अंदर बने हुए। लेकिन एक तरीके का इमरजेंसी डिवाइस होने की वजह से ये इमरजेंसी में आए पेशेंट को जो फुल स्टमक है और जिसको मसल रिलैक्सेशन अभी दिया गया है, और तुरंत आपको इंडोट्रैक एक्टिवेशन में आपको टाइम वर्क कर सकता है, लेकिन इसमें आपको 30 सेकंड लगेंगे, और इसे करने के लिए एनेस्थेटिस की जरूरत नहीं है। इसको एक एज अ पैरामेडिकल स्टाफ आप भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए। ये इस वक्त जो हमारे पास साइज है ये है 5 नंबर साइज। ये 50 to 100 kg वेट वाले तक पेशेंट को हम इंट्यूबेट कर सकते। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो बच्चे पैरामेडिकल स्टाफ बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओटी टेक्नीशियन बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी एनेस्थीसिया के आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे एलएमए पीएलएमए या सुप्राक्रोटिक डिवाइसेस के बारे में, एयरवे मैनेजमेंट